हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कैप गुरेज चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये बहुत शानदार कंपनी है, इसके बारे में पूरे डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसमें एंट्री करने का कब सही टाइम है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी कंपनी है ये आईटी सेक्टर की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्टॉक के बारे में ये है कि बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है ये, और इसका ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसका जो आरओएसी है, आरओई है, बहुत ज़बरदस्त है, और पी रेशियो भी काफ़ी नीचे है, और इसका जो पास्ट में रिटर्न भी रहा है वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस स्टॉक से रिलेटेड, वो है इस स्टॉक का जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रही है कंपनी, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंसीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और इसका जो क्लाउड है, रोबोटिक्स है, ये सारे फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ये कंपनी काम करती है। इसलिए मैंने इस वीडियो इस स्टॉक पे मैंने वीडियो बनाना चाहा, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है ये स्टॉक। तो उसी के बारे में चलिए हम लोग देर न करते हुए जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो ये स्टॉक आप लोगों के सामने है सोनाटा सॉफ्टवेयर, आप सभी जानते होंगे और ख़ास करके वो लोग जानते होंगे जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं पर्सन, उनके लिए बहुत अच्छा ये स्टॉक है, क्योंकि उनको बहुत कुछ पता है आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है और फ्यूचर में किस टेक्नोलॉजी का डिमांड रहने वाला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा समझने के लिए स्टॉक। तो मैं आपको भी यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी कंपनी यहाँ पे, करीब 1986 में कंपनी फाउंड हुई थी, और उसके बाद कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं 1998 में ये कंपनी जो है कि पब्लिक हुई थी, मतलब इसका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई थी कंपनी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कंपनी जो है कि कई सारे कंट्रीज़ में काम करती है इंडिया के अलावा, और आईटी सेक्टर में जो सर्टिफिकेशन होता है सीएमएम लेवल 5 या एक सबसे उच्च मानक है, मतलब जो सर्टिफाइड ये कंपनी की सबसे अच्छे लेवल की सर्विसेज देने वाली कंपनी है, इसको माना जाता है, इस तरह का एक सर्टिफाइड ये सर्टिफिकेशन मिला होता है, तो ये भी इस कंपनी को मिला हुआ है। इस कंपनी में आप देख सकते हैं करीब 4000 एम्प्लॉई कंपनी के पास है, और करीब $500 मिलियन का इसका रेवेन्यू है, तो बहुत शानदार है कंपनी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो मेन जो बिज़नेस है, जो मेन इनका जो काम काज है वो क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मेन काम है, यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर इज़ ए ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज इन बिजनेस इंटेलिजेंसी एंड एनालिटिक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट मोबिलिटी में काम करती है, क्लाउड सोशल मीडिया टेस्टिंग इंटरप्राइज सर्विस ERP एंड CRM, तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी। इसका और भी डिटेल में भी जाऊंगा मैं, इसका वेबसाइट पर जाके आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह के फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हैं जो फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त डिमांड होने वाले, उस पर कंपनी काम कर रही है, वो सब मैं भी दिखाऊंगा आपको। इस वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के लाया हूँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये कंपनी के अंदर कई सारे सब्सिडीज कंपनी है, उसके बारे में मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे सब्सिडीज कंपनी इस कंपनी के अंदर में, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर FG, सोनाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनाटा सॉफ्टवेयर नॉर्थ अमेरिका, सोनाटा सॉफ्टवेयर GmbH, सोनाटा यूरोप लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर कतर, और हेलोसिस टेक्नोलॉजी, ये सारे इनके सब्सिडीज कंपनी हैं, और बहुत अच्छे सर्विस ये सारी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। अब ये कंपनी का अगर मैं बिज़नेस बताऊं कि किस किस कंट्री में इसका बिज़नेस चलता है, तो आप देख सकते हैं सिंगापुर में है, US में है, और जर्मनी, UK, नीदरलैंड्स, और यहाँ पर देख सकते हैं UAE और कतर में भी है, तो काफ़ी अच्छा खासा बिज़नेस फैला हुआ है इस कंपनी का। अब चलते हैं सीधा इसके वेबसाइट पे, वहाँ से थोड़ा सा इस कंपनी का ओवरव्यू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो इसके जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है और किस किस तरह का मेन काम है, वो ये आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से इनके जो काम हैं, उनके पोर्टफोलियो में जो लिस्ट हैं, वो सारे के बारे में एक एक करके मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो मेन, यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्री, सोनाटा सॉल्यूशन पोर्टफोलियो इंक्लूड्स इट्स ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज ब्रिक एंड क्लिक रिटेल प्लेटफॉर्म। इन ये जो मैं बता रहा हूँ, इनके पोर्टफोलियो में ये सारे सर्विसेज है जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर के लिए।
यहाँ पर देख सकते हैं मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, रिजोपिया डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म, रैपिड डेवओप्स प्लेटफॉर्म, कार्टोपिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हेलोसिस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म एंड कॉमोडिटी CTRM प्लेटफॉर्म, बेस्ट इन क्लास कैपेबिलिटीज़ ऑन ISV डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच ए माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, SAP हाइब्रिड क्लाउड इंजीनियरिंग एंड मैनेज्ड सर्विसेज एज वेल एज न्यू टेक्नोलॉजी। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करी वो सबसे मेन चीज़ है कि ये जो भी न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करी उसका आने वाले टाइम में बहुत बूम रहेगा, बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। उसमें से है देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, चैट बॉट्स, ब्लॉक चेन एंड साइबर सिक्योरिटी। ये सारे फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और इसका फ्यूचर भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये रहा कंपनी का ओवरव्यू और इसके पोर्टफोलियो जो जिस पे कंपनी काम करती है। और यहाँ पे कंपनी का कुछ पार्टनर्स हैं जिससे कंपनी मिलके काम करती है, जो IT सेक्टर के दिग्गज कंपनी है उसके साथ इसका पार्टनरशिप है कंपनी, तो उसका मैं एक बार आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो SAP है वो कस्टमर सर्विस है, SAP इसका पार्टनर्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM और उसके अलावा HP और ओरेकल, ये सारे अपने क्षेत्र के दिग्गज कंपनी हैं और सबके साथ इनका पार्टनरशिप है। अब चलते हैं कंपनी का एक ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके बिजनेस पे, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो कैसा है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 3,680 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट मार्केट प्राइस अभी 349 रुपये, ऑलमोस्ट 350 के आसपास इस कंपनी का प्राइस है। और जो हाई लगाया था कंपनी ने वो 428 रुपये का और लो लगाया था 265 रुपये का। और पी रेशियो बहुत नीचे आया हुआ है, करीब 14.88 का पी रेशियो है। और इसका जो ROC है आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कितना ज़बरदस्त ROC और ROE है। ROC 38.88 है और ROE जो है कि 30.25% है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है इसका। अगर मैं इस पर आपको मैं चार्ट पे दिखाना चाहूँगा पिछले 5 साल में, तो चार्ट से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना ज़बरदस्त इसका चार्ट है और ज़बरदस्त तेज़ी से स्टॉक ग्रो किया है। अगर मैक्स पे हम सेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 2013 के आसपास में करीब 17 रुपये के आसपास था, ये 17-18 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। और 2018 में अगर देखें ये स्टॉक ने हाई लगाया था करीब करीब 404 रुपये। तो करीब करीब ये 6 सालों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे इसमें पॉजिटिव चीज़ हैं, जो कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है और वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और 3 साल में इसका ROE है कि 30+ का परसेंटेज है, 30% से ऊपर का इसका जो ROC है, ROE है। और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रही है कंपनी, तो ये सारे पॉजिटिव चीज़ हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिटेल इसका मैंने रेवेन्यू और डेट वगैरह के बारे में दिखाना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड का इस पर ट्रस्ट दिखाऊँगा, इस स्टॉक के ऊपर कैसा ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड वालों का, उससे बहुत कुछ अंदाज़ा लग सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं SDFC है कि लगातार पिछले 5-6 क्वार्टर से काफ़ी हेवी मात्रा में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते जा रहा है। आप देख सकते हैं मार्च 2018 में 3.5% के आसपास स्टेक था, उसको बढ़ाकर 3.8% का किया, उसके बाद 5.1%, 5.6%, 7.6% का स्टेक किया। तो लगातार SDFC म्यूचुअल फंड जो है कि इसमें स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। उसे वहीं पे L&T म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो भी अपने स्टेक को बढ़ाया है इसमें, और HSB यहाँ पे थोड़ा सा डाउन किया है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे कि इसका जो प्रमोटर है उसका स्टेक कितना है इस स्टॉक में। तो प्रमोटर का जो स्टेक है यहाँ पे 28% है, 28.17% प्रमोटर का स्टेक है इस कंपनी में। और जो पब्लिक शेयर होल्डर हैं बने वो आप यहाँ पर दिख जाएंगे सारे, SDFC है, गोल्डमैन है, ऑरेंज है, L&T है, भूपति इन्वेस्टमेंट और श्रीकार प्लेम रेड्डी, ये सारे इसमें बड़े पब्लिक शेयर होल्डर हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रेवेन्यू के बारे में दिखाऊंगा कि पिछले 5-6 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कैसे ग्रो किया है। तो मार्च 2013 की बात करें तो 1310 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1565 करोड़, 1682 करोड़, 1940 करोड़, इस तरह बढ़ के अभी इस साल का सिर्फ 3 क्वार्टर का रेवेन्यू करीब करीब 2960 करोड़ का रेवेन्यू, अभी 1 क्वार्टर का रेवेन्यू इसमें ऐड होना बाकी है। ये करीब 3200
करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू रहेगा इस साल का, तो बहुत ज़बरदस्त है। वहीं पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2013 में कंपनी जहां -28 करोड़ का लॉस में थी, वो कंपनी बढ़ करके अभी सिर्फ 3 क्वार्टर में 250 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो प्रॉफिट में भी आपको यहां से देखने से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह प्रॉफिट में ग्रो हुआ है कंपनी का और कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है कंपनी का। वहीं पर अगर रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के पास 757 करोड़ का रिज़र्व पैसा लिक्विड मनी पड़ा हुआ है। वहीं पर अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 768 करोड़ का इसका शेयर होल्डिंग फंड है कंपनी के पास। वहीं पर कर्ज की बात करें तो कंपनी के पास जो कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है, अभी सिर्फ 33-34 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्ज है। ईपीएस अगर देखें पिछले 4-5 सालों में तो ईपीएस देखिए जहाँ पे -2 का ईपीएस था, ईपीएस बढ़ करके अभी 23 के आसपास ईपीएस है। तो कुल मिला के स्टॉक का सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं, पार्टनर्स कस्टमर सभी बहुत अच्छे हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम कर रही है। और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस करें, मेरे कहने पर डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लिए बगैर इसमें इन्वेस्ट ना करें। हो सके तो अपने एंड से जहाँ तक पॉसिबल हो एनालिसिस करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। और जो भी सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर दें, और किसी स्टॉक पर आप रिव्यू चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपके सजेस्टेड कमेंट्स जो स्टॉक है उस पर रिव्यू करूं। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड में, और इसको बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को बेल बटन को ज़रूर हिट करें, वरना इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक नहीं पहुँचेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, तो बेल बटन को ज़रूर हिट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।